आम आदमी पार्टी च अज मती तादाद च जेहड़े साढ़े बुकला साथी ने उन्हें पार्टी की ज्वाइन किया है। और अस देखा करने हैं कि पिछले काफ़ी समय थमा अगर सबने थमा मते जेहड़े वकील एडवोकेट न अगर कुसै पार्टी च शामिल होए न ते ओ जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी है। के कारण है, किड़ियां नीतियां इस पार्टियां इनेंगी शायद लगा कर दियां, इंदे कन्ने गलबात भी करने आ। तो शामिल होने वाले जेहड़े बुकला साथी न साढ़े कन्ने ते उंदे कन्ने गलबात करने आ। तो पहले अस सूबाई सदर न जेहड़े आम आदमी पार्टी दे जेहड़ा लीगल सैल है उंदे सूबाई सदर न अरविंद बंदराल साहब, उंदे कन्नै गलबात करने आ। बंदराल साहब, केड़ी बूटी तुस वकीलें गी संगाह करदे हो भई अपनी पार्टी च गै शामिल करा दे सारे, बाकी आह्लें दा वी किश रौण दिओ? नहीं, बूटी कोई नहीं सिखा रहे, असी बेसिकली की है कि सारे ही आपू इंस्पायर होआ दे न, साढ़े नैशनल कन्वीनियर दे उंदे काम दिखिए, और सुनी सुनाई गल नहीं है, रिजल्ट जिहड़ा है वो सामने है। दिल्ली विच दिखी लो अस्पतालें दी हालात पहले की होले हे, हुण अज दी डेट च की होले न, ये चीज़ां इंस्पायर करा दी ने। एजुकेशन किस लैवल उपर हाई गई है, ये चीज़ां सारे वकीलों नू इंस्पायर करा दी, और इसी कारण सारे बड़ी तादाद च लोग आए करदे न, और अस इंदा स्वागत करने हैं, बड़ा बड़ा इंदा शुभकामनाएं दिन्ने कि अपनी पार्टी च अपना पूरा समर्थन देन। और एक जिहड़ा मकसद है ना साडा, क्योंकि साढ़े जम्मू कश्मीर की मैं अपनी गल करांगा कि जम्मू कश्मीर च ना असीं ये सोच लेदा है कि शायद हॉस्पिटल दी हालात हुंदे ही होले न, कोई सरकारी हस्पताल जाना है तो कोई जिंदा वापस आए नहीं आए गरंटी नहीं आए, लोगों की एक विचारधारा इस तरीके की बनी चुकी दी ही। लेकिन ये चीज़ चेंज हुई जिस वेले साड़ी अपनी आम आदमी पार्टी ने एक करिए दसिया करिश्मा, जिस तरीके नाल अस्पताल विच अज जांदे आं अस, और साढ़े इलाज किन्ने सस्ते और किन्ने अच्छे तरीके नाल हुंदे न, वो चीज़ सामने लाई गई। 2014 विच भी गुजरात मॉडल लाइए बीजेपी अगे आई ही, असें भी अपना दिल्ली मॉडल अगे कीते दा, और ये लोकें ही बड़ा ही अट्रैक्ट करा दा, और मी पूरे तरीके नाल मी इस गल दी मैं मतलब यकीन मनना कि आने वाले टाइम च और बड़ी बरपार साड़ी आम आदमी पार्टी। मदरा साहब, जियां तुसें दस्या कि अस्पतालें आली बखी खास तुसें तवज्जो दित्ती है, जियां पिछले दिनें गै जम्मू कश्मीर दे जेहड़े उप राज्यपाल होर न उन्हें आखेआ कि आने वाले समय च तुसेंगी अस्पतालें अग्गे इलाज कराने आले दी लाइन नहीं लगू, दूई बखी आयुष्मान कार्ड जेहड़ा है वह भी लोगों की बड़ा फायदा थोआ करदा है, तो क्या तुसेंगी लगता नहीं है कि भई जिहड़ी वर्तमान सरकार है जिहड़ी केंद्र च है या जम्मू कश्मीर च चला करदी है वह भी तो लोगों की सेहत आली बखी खास ध्यान दिया करदी है? बिल्कुल, बड़ी अच्छी गल कीती तुसें, इन्हें करना भी चाहिए, सरकार चुनी इसी कारण जांदियां। लेकिन मैं तुहाड़ी जानकारी वास्ते दस्सी उड़ा कि आयुष्मान कार्ड 90% जगह पर चलता ही नहीं है, उसके बाद वो आखते नहीं चलो तुम बैड पर पई जाओगे तुहाड़ा कोई ऑपरेशन हो जाएगा तो फिर कोई 10-20% का तुहानू फायदा हो सकता है। ये सिर्फ एक बेवकूफ बनाया गया सानू, सानू जिहड़ी राजनीति है ना ये साड़ी मोड़ी गई है, जिहड़ी बेसिक फैसिलिटियां उहदे च वंचित रखा गया साडे लोकें ही। और मैं तुहानू जिस तरह पहले आख्या कि साडे दिमाग च पाई रहा हा कि ये बड़े महंगी चीज़ हैं जी, ये आम आदमी या गरीब लोगों के बारे च है ही नहीं है, हस्पताल बड़े बड़े बनवाई तो एक बिजनेस ट्रेड शुरू हुई है हॉस्पिटल का, और वैसे ही एजुकेशन फैसिलिटी होया, एजुकेशन सिस्टम च की होया कि तुहाड़े एक बिजनेस हब बनी गया एजुकेशन, और गरीब बच्चा जिहड़ा पढ़ाई तो वंचित रही जांदा हा। असें इस उपर क्या फोकस किए दा, और जिस तरीके तुम आखा दे हस्पताल की बेशक एल जी साहब अपना दावा ठोका दे, लेकिन वो दावा बड़ी दूर तक मी लगता नज़र नहीं आता है, ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता, बच्चा बच्चा जानता है। हाँ, तुम दिल्ली की गल करते तो मैं आखदा, मैं पंजाब की गल करते तो असें तो करिए दस्या है, तो शायद मैं यकीन भी करता, लेकिन हुण एल जी साहब की गल का यकीन करने का कोई साढ़े कोल प्रूफ कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तुंदा, हुण अस बुकला साथियों कन्नै गलबात करने आ। आम आदमी पार्टी की केड़ी नीति तुसें गी शैल लगी है कि तुसें इस पार्टी की ज्वाइन किया, क्योंकि हर पढ़े लिखे दे इंसान दी और खास करिए एडवोकेट जिहड़े बुकला साथी हुंदे ने ते कानूनदान हुंदे ने, कानून का भी पता हुंदा कि वह जिहड़ी सत्तारूढ़ पार्टी हुंदी वाली बखी दौड़दे ने, ते आम आदमी पार्टी का अगर अस जम्मू कश्मीर च दिखता है तो कोई दूरा दूरा तक नज़र नहीं आवा करदा भाई सत्तारूढ़ हो, तो फिर केड़ी चीज़ तुसें गी आकर्षित किया जिस चीज़ां ने किस बखी आ? सर, मेरा नाम अभिनव सिंह संभ्याल है। सर, मैं जिंदगी कदे भी कुसे पॉलिटिकल पार्टी कन्नै नहीं जुड़िया, ना मी कदे जुड़ने का शौक आ, लेकिन जोले अस पब्लिक जाने आ, पब्लिक दी ग्रीवेंस लैने आ, सानू इयो लगे कि पब्लिक अंदरों कटोआ दी है, लेकिन कटोने का रीज़न इयो कि अगर पब्लिक बोले तो उंदे पर एक्शन होई जांदा, नहीं बोले तो पब्लिक केह करे जाए कुत्ते, तो असें सोचा थोड़ा थोड़ा फर्ज बनता कि अस भी पब्लिक पिछे कुछ करचे, बस इयो मेरा रीज़न हा कि आम आदमी पार्टी बेस्ट ऑप्शन मेरे कोई नहीं। जिस वेले भी कोई आम पार्टी कोई भी होया ज्वाइन करता है तो सारे कोला पहले मो आपू बिचें मुल भा हों भाई उदा मिगी इकड़ा थोग,
तो क्या कोई अहदे वेखी है? नहीं 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 सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, इस जस्ट ए पब्लिक कॉज है, उसका ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कोई मोल भाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तुम भी इधर हो अस भी इधर, तुम्हें भी दिखना कि मोल होया कि नहीं होया सर, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा भी। तो हूँ अस सरीन साहब कन्नै गल करने आ, जम्मू कश्मीर की जी लीगल समिति है उसके प्रभारी न। सरीन साहब कोई बुकला साथी रहा पिछे भाई जो हूँ ज्वाइन करने वाला? नहीं बड़े हैं तो बड़े ज्वाइन किए, मतियां मतियां मुबारकां। ये वो यंगस्टर्स आए न अगे जेड़े कि जिस तरह साड़ी पार्टी की एक नीति है कि असी सियासत करन नहीं आए हैं, सियासत बदलन आए हैं। ये सारे यंगस्टर्स ऐसे न कल जड़े देश का फ्यूचर न, वो वोकला साहिबान सब तो पढ़ी लिखी दी जमात है, कल नू मैनीफेस्टो इन्होंने बनाने, कल नू इत्थे केड़ियां पॉलिसीज लागू करनियां इन्होंने लागू करनी है। मैं तो इन्हां सारियां दा मता मता स्वागत करना, कन्ने इन्हें ये भी आखना कि बाकी भी पार्टी दियां पॉलिसीज अच्छी तरीके नाल पढ़ो तो लोगों तक पहुँचाओ, और जिन्नी मदद कर सकते हो आम जनता की उन्नी मदद करो। हूँ तुस दिखना शुरू ही हो कि दो जगह तो आम आदमी पार्टी की हुकूमत है तो दो जगह इलेक्शन चला दे, लोग आम आदमी पार्टी नाल इन्ना प्यार करते पे, इन्ना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिलता पे है कि बाकी पार्टियां भी हूँ लगना लग पे है कि वाकई आम आदमी पार्टी है जड़ी जो कहती है वह करती है। और अज के मोड़ पर क्योंकि चूंकि वोकला साहिबान ने ज्वाइन किया, मैं वोकला साहिबान के बारे से दस दिया कि दिल्ली की एक वाहिद ऐसी सरकार सी और अज दिन भी वाहिद ऐसी सरकार है जिन्हें वोकला साहिबान के भी ना सारे ग्रीवियंसिस दूर करने की कोशिश की। मैं कोशिश इस करिए करना पूरे तो कभी कंप्लीट किसी दू संपूर्ण रब ही होंगे और कोई होंगे नहीं, कि जिन्हें भी वोकला साहिबान हैं दिल्ली के सब तो पहले तो उन्होंने चैंबर की बिजली मुफ्त की, कोई किराया नहीं जी लगता। और आने वाले वक्त असी अपनी पार्टी की हुकूमत जिसल भी इतने बनती है ये अश्योर करने हैं कि पार्टी हाईकमांड से असी के बैठ के सारी डिस्कशन करनी है, जम्मू व कश्मीर के भी जिन्हें वकूला साहिबान के चैंबरस हैं उन्होंने बिजली भी मुफ्त होएगी। दूसरा वोकला साहिबान जेड़े है ना इंटेलैक्चुअल क्लास है लेकिन इन्ने साउंड नहीं है, कुछ एक परसेंट नू छोड़ के ना बाकी इन्ने साउंड नहीं हैं इन्हों की, तो इन्दे पूरे परिवार की इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस उदा भी इंतजाम किया। और हूँ प्रेजेंटली थोड़े दिन पहले ही एक पार्टी दे हाईकमान नाल गल चल रही सी, तो उदे च एक असी एक दो सुजैशन होर दिते न कि जेड़े नवे वकला साहिबान आते नवे नवी वकालत करके आते उसले उनके कोल फाइनांस की कमी होंदी है, असी एक ऐसा फ्रेमवर्क आपस के मिल के बना रहे हैं कि जेड़े नवे वकला साहिबान आ रहे हैं एक पीरियड ऑफ टाइम वास्ते उन्होंने एक स्टाइपेंड दिता जाए ताकि वह प्रोफेशन नू और उपर लैके जान। ये सारिया चीज़ा अट्रैक्ट कर दी हैं और नाले इंसाफ दिलाने से सब तो पहले वोकला साहिबान को ही आना है। और मैं आज सारियां नू बहुत बहुत मुबारकबाद देना, पिछले दिनों भी जिसले बार एसोसीएशन की स्ट्राइक हुई सी सारा जम्मू शहर नाल जुड़िया ही, उस वेले भी आम आदमी पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी सी जिहड़ी जोरों शोरों नाल जम्मू शहर च पूरे खिते च फैली दी ही, तो जम्मू बंद च अपना सब तो ज़्यादा कोऑपरेशन दिता है, तो जनाब दे चैनल ने भी उत्थे बड़ा वधिया कवर किया ही, सिटी चौक च बैठ के जिसले सारे मीडिया चैनल्स ने कवर किया ही, जनाब भी उत्थे सी और उसका साड़ी पार्टी नू भी बड़ा श्रेय जांदा ही। अज भी जदों पार्टी उत्थे बार हाईकोर्ट बार एसोसीएशन जम्मू च जिसले भी डिस्कशन हुंदी है क्रैडिट जांदा है, वह कहिंदे जी आम आदमी पार्टी ने बार एसोसीएशन के जम्मू बंद नू कामयाब कीता, ये साडे वास्ते फखर वाली गल है। और आस्ता आस्ता साडा कुंभा फैलता जा रहा है और मैं सारिया का तहे दिल ना स्वागत करना और कहना जोर शोर नाल काम करो, अच्छे तरीके नाल काम करो, पद की परवाह ना करो, पद अपने आप पिछे तुहाडे दौड़न के तुसीं ऑलरेडी एक तुहाडे नाँ दे अगे एडवोकेट लगे तो इस तो वड्डा पद तो होर कोई चाहिए, रब ने तुहाडे कोल बड़ा वड्डा पद दिता, आने वाले कल नूं तुसीं के जजिस हो, तुसीं के प्रोसीक्यूटिंग अफसरस हो, तुसीं के आने वाले मिनिस्टर एम एल ए साहिबान भी तुहाडे चो यंगस्टर्स ने के पढ़ना, क्योंकि साडी पार्टी एक ऐसी है पढ़े लिखे नौजवान तबके नूं अगे आने का मौका भी देती है। और ये एक ट्रडिशनल पार्टी नहीं है कि जिते तुसीं 50-50 साल लगे रहोगे, अज ज्वाइन किया 50 साल बाद कि तुहानूं
पंच का इलैक्शन या म्यूनसीपल वार्ड का इलैक्शन कोई पैसा नहीं देना पैंदा, मेहनत ही है तो लोगों का प्यार चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सरीन जी। जियां कि सरीन साहब ने दस्या है कि आने वाले समय च अगर सरकार जम्मू कश्मीर च आम आदमी पार्टी की बनती है, क्योंकि जिस वेला सरकार बनती है उस वेले गै उम्मीद की जा सकती है, तो कई जड़िया सुविधा ने वो बुकला साथियों की दी जा, ये तो हूँ समय के दसोग कि इलैक्शन जम्मू कश्मीर च कुछ वेला होंगी है तो आम आदमी पार्टी कितनी सीटा लेंदी।